तो आज हम लोग निकले हैं रजरप्पा के लिए। ये हमारी टीम है, सारे गाड़ी जा रही है हमारे, सब इसी 5 गाड़ियां हैं अपने, सब अभी लाइनअप करके जा रहे हैं मंदिर के लिए, देख सकते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नए सफर में जा रहे हैं, हमारे पूरी टीम अभी आप देखें कैसे गुजर चुकी है। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस सुहाना मौसम में, और एक अद्भुत एक मंदिर है, प्राचीनकालीन मंदिर जो रजरप्पा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो पूरा संपूर्ण कैसे जाएंगे और किस तरह से दर्शन करेंगे ये पूरा आप लोग को हम लोग दिखाएंगे हमारे इस वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रिफ्यूल कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। अभी करीबन और 60 किलोमीटर जाना है, तो अपनी सभी गाड़ियों को अभी, ये अपनी गाड़ी है, सबको रिफ्यूल कर रहे हैं अभी, फिर निकलेंगे यहाँ से टूर पे। अब एक एक करके अपनी सारी गाड़ियाँ पेट्रोल डलवा चुकी हैं, अब निकल रही हैं। तो ये हमारी पहली गाड़ी, ये हमारी दूसरी गाड़ी निकल रही है, ये सब अपनी ही गाड़ियाँ हैं। एक कारवां बना के हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे टीम में जाने में बड़ा एक मन प्रसन्न होता है। ये आ रही है मेरी कार, अब मैं इसमें चढ़ूँगा। अब हम लोग चलते हैं सफ़र का मज़ा लेते हुए। अभी हम लोग गोला मोड़ पहुंच चुके हैं, रजरप्पा का साइन यहाँ पे दिख रहा है, आगे जाके हमें राइट टर्न लेनी है। सो ये रहा सिद्धिपीठ रजरप्पा धाम भूमि पर आपका स्वागत है, बोर्ड लगा हुआ। यहाँ से करीबन और 10 किलोमीटर अभी आगे जाना है, तो ये मेन गेट था, गोला मोड़ के सामने में ही है। अब यहाँ से हम लोग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, फिर पहुँचते हैं हम लोग मंदिर। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं रजरप्पा के जो एग्जैक्ट मंदिर के मेन गेट के सामने। यहाँ से सारे बोर्ड आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट से भी जा सकते हैं और इस राइट से भी जा सकते हैं। और अभी हम लोग क्रॉस करेंगे इस पहाड़, मेन यही था पुराना वाला। रजरप्पा मंदिर के परिसर में, और ये है भेड़ा नदी, उसके बगल में हमारा, देखिए इधर से ऊपर से भेड़ा नदी आता है। ये पूरा आपका जो वातावरण है, यहाँ पे पूजा की सामग्री वगैरह मिलता है, यहाँ पे ऐसे दुकानों पे पूजा की सामग्री मिलती है, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे सब कोई नहाते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा बनाया हुआ है झरना जैसा, सब यहाँ पे नहाते हैं और नहान स्नान करने के बाद पूजा के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे पूजा दुकानों से सामान लेते हैं। हम लोग भी अभी ख़रीदारी करेंगे। लोग बलि चढ़ाने के लिए इस तरह से बकरों का भी यहाँ पे बलि चढ़ता है इस मंदिर में। तो इस दुकान पे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पूजा सामग्री खरीदेंगे, और भैया अभी शूज उतार रहे हैं यहाँ पे, जूते खोल के हम लोग सुरक्षित ये इस दुकान पे। मंदिर परिसर के जस्ट बगल में ये है दामोदर नदी, और यहाँ पे आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। अभी नदी का पानी बहुत उफान पे है, ऐसा आपको अभी दिख रहा होगा, किंतु इसका जो गहराई है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक रजरप्पा झरना के नाम से जाना जाता है,
जो आगे आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग नौका पे गए हुए हैं, है डेंजरस। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट वगैरह उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अगर आपको स्विमिंग आती है तभी इस पे जाएं, वरना ऐसे रिस्क लेने के लिए इस गहरी नदी पे ना जाएं। आप देख सकते हैं लोग बिना लाइफ जैकेट लगाए हुए इन नाव पे सवार हो रहे हैं। एक सलाह है, एडवाइस है कि अगर आपको स्विमिंग आती है तभी जाएं, वरना ऐसे नाव पे सवार कभी ना होएं। तो अभी आज मंदिर परिसर में पूजा की अनुमति नहीं दी गई है, है क्या कि कोरोना काल के चक्कर में अभी बंद है काफ़ी, तो अभी मैं उसका दिखा नहीं पाऊँगा अंदर मंदिर का परिसर का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि साइड व्यू जो भी है वहाँ की जो मंदिर हैं उनका यात्रा कैसे करेंगे, और साइड में जो जो हम लोग के व्यूज़ हैं कैसे हम लोग यहाँ का आनंद ले सकते हैं ये देख सकते हैं चारों तरफ। इस तरह से आगे और भी टेंपल्स हैं। अभी हम लोग जस्ट मंदिर के बगल में हैं, इधर आगे मंदिर है। तो अभी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, नाव आने वाली है और उसमें सवार होंगे। और यहाँ का जैसे ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और नदी आपको दिख रही है बड़ी शांत, बट है बहुत गहरी। ये आप जानते ही हैं दामोदर नदी, जो एक बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसी वो जो झरना देख रहे हैं उसी जगह भेड़ा रिवर और दामोदर नदी का संगम है, जो इसी संगम के बीच में जो हमारी माँ छिन्नमस्ती के रजरप्पा का जो मंदिर है ये स्थित है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं, मेन मंदिर परिसर पे नहीं जाएंगे, एंड उसके बगल में एक मंदिर है नदी के किनारे में। तो थोड़ा सा मैं रजरप्पा मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ। सो लाइक झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्ती का ये मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्ती के मंदिर आस्था की धरोहर है। तो ये जो है असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्ती के मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ पे। तो अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में अभी सारी दुकानें बंद हैं एंड पूजा वगैरह उतनी होती नहीं है। अभी सारी आप देख सकते हैं उधर 7 मंदिरें भी हैं। तो रजरप्पा का ये जो सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है, छिन्नमस्ती के मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबाधाम मंदिर, उसके बाद बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं उधर वो भी एक मंदिर परिसर में ही आता है, किंतु अभी सारी गेट बंद है। तो पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना, जो अभी आपको हमने दिखाया, मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा आपको घुमा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आप देख सकते हैं सारी गेटें बंद हैं। हमको लगता है कि ये ब्लॉग में अधूरा ही रह जाएगा, तो हम लोग आउटर जो भी मस्ती है उसको करते हैं। आप यहीं से देख सकते हैं कि जो भेड़ा नदी है एंड दामोदर नदी इस साइड से जाते हुए, तो यहाँ पे मिलन होती है। और ऐसे दुकानों पे लोग आते हैं और जब बलि चढ़ाते हैं उनके जो पकवान होते हैं, जो मीट होता है, उनको यहाँ पे बनाते हैं और फैमिली के साथ मस्ती करते हैं यहाँ पे, अपना जो पिकनिक स्पोर्ट्स की तरह मनाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। लोग यहाँ पे आस्था से हवन यज्ञ कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ बना हुआ है। आप आके अपने सपरिवार हवन यज्ञ कर सकते हैं। यह है मेन मंदिर परिसर, अभी बंद है, लोग बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यही माता की जो खास मंदिर है, जो अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे स्थित है। सो ये मंदिर परिसर अभी फ़िलहाल बंद है, किसी और समय अंदर से कैसे पूजा की जाती है। तो यही परिसर है जहाँ पे माता का दरबार है, यहीं पे उसका खास मंदिर है, उनका दर्शन अभी नहीं कर सकते हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर दर्शन करेंगे। अभी कोरोना काल के चलते मंदिर परिसर में पूजा नहीं हो रहा है, मेन मंदिर में। मंदिर आगे है, आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे नीचे मेन गेट के बाहर में ही सबको पूजा कराई जा रही है। तो यहाँ पे मेन गेट के बाहर में ही वो बंद है गेट, और बाहर में पूजा की जा रही है, सारे पंडित लोग हैं
बट वो आस्था भी नहीं है जो अंदर में, जो अंदर मंदिर आपको दिख रहा होगा पीछे, एक्चुअल में अंदर पूजा होती थी, आप अंदर में पूजा कर सकते थे, बट अभी बाहर में सब कोई पूजा कर रहे हैं। अगर ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो अभी मंदिर बंद है, अभी आना जाना मना है, किंतु आस्था के तौर पे सब आ ही रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि गेट के बाहर में ही पूजा करें एंड यहाँ से वापस चले जाएं। ये परिसर के इस साइड देख सकते हैं आप भेड़ा रिवर, जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, एंड जो उधर से मैंने आपको दिखाया था नौका विहार कर रहे हैं, नाव चढ़ रहे हैं, तो ये जो छोटा सा एक वाटरफॉल बन रहा है ये भेड़ा नदी है, और उधर से जो बड़ी वाली दिख रही वो है दामोदर नदी, दोनों इस जगह संगम होती है। तो इसी संगम पे हमारा जो माँ छिन्नमस्तिके रजरप्पा का जो मंदिर है पेड़ के पीछे है, लोग फोटोशूट करा रहे हैं। तो ये नदी अभी दामोदर नदी आप देख सकते हैं एंड भेड़ा नदी का संगम। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, पूजा तो कर ही लिए हैं, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से, और बाहर का जो जो मित्रगण आए हैं वो सब जो बलि उलि चढ़ाए हैं और वो पूजा करे हुए हैं, तो अब वहाँ चलते हैं, शामिल होते हैं भोज में, उनके पार्टी में, और चलते हैं अब घर वापस, और भी आउटर जो सीनरियोज होंगे वो दिखाने की कोशिश करूँगा। पिकनिक के लिए मटन बनते हुए हमारे प्रकाश से इधर इधर इंतज़ार करते हुए मनोज जी, बबलू चचा इधर, अपने सारे पार्टनर जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। ये हमारे इंद्रजीत सर हैं, इधर हमारे मालिक जिनके कृपया से आज हम लोग यहाँ पधारे हैं। बताइए दो शब्द बोलिए आप। यहाँ पे सारे हमारे और अतिथिगण सारे को इंतजार कर रहे हैं अपने पिकनिक पार्टी के लिए। सर जी लास्ट में बैठने, एकदम लास्ट में ना। मंदिर परिसर अभी ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं, ये आप दोनों नदियों का संगम और वहाँ पे जो मंदिर है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने आज भ्रमण किया। बहुत सारे जगह तो हम लोग भ्रमण नहीं कर पाए आज बंद के कारण, तो अभी देखें हम लोग कैसे अपने मित्रजन के साथ भोज पार्टी वगैरह किए, घूमे फिरे, पूजा करने का नहीं दिखा पाए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से चले निकल जाएंगे, हम लोग का ट्रिप अब ख़त्म होने को है, सारा मस्ती पूजा सब कर चुके हैं, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद, बाय बाय, अब निकलते हैं।